नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज एमपीपीएससी प्री 2020 परीक्षा प्रणाली एवं नवीनतम सिलेबस के आधार पर आदर्श प्रश्न पत्र GLCIS क्लासरूम से आप बिल्कुल निश्चित रूप से पेपर देखिए, बहुत आनंद आएगा। 100 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार होगी जल्दी से, थोड़ा स्पीड फायर राउंड में इनको करेंगे कम्प्लीट। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, बस की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, और कौशल की राजधानी चंपा नहीं थी, चंपा जो राजधानी थी वो अंग देश की राजधानी थी। सूर्य मंदिर इसमें स्थित है पुरी, कोणार्क, खजुराहो, गया। तो पुरी में जो है वो भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है, खजुराहो में मेनली शिव मंदिरों का समूह विशेष रूप से है, और कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। तो यहाँ सी ऑप्शन, कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जागीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था माउंट सेमफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, उसको 1919 के सुधार को मॉन्टेग्यू सेमफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट पारित किया गया था, तो रोलेट एक्ट पारित किया गया था बी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, इसे न अपील न दलील न वकील वाला कानून भी कहा गया। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? अफ्रीका। स्वेज नहर के उत्तरी प्रदेश द्वार पर स्थित जो बंदरगाह है वो कौन सा है? पोर्ट सईद। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? रेड सी में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई असम। एशिया भारत का और एशिया दोनों का डिगबोई असम। अफ्रीका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना हुई? फ्रांस। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में इंदिरा कोर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल, गंगा का जो डेल्टा भाग है उसमें। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य गुड़गांव, हरियाणा। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होनी चाहिए, तो मेट्रोपॉलिटन जो है वो 10 लाख से अधिक, और ये नगरों की अवस्थाएँ रहती है मेट्रोपॉलियन। उसके बाद मेगालोपोलिस आता है, मेगालोपोलिस के बाद आता है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस वो नगर होते हैं जो अपने उत्थान को प्राप्त कर चुके होते हैं, पूरा डेवलप हो चुके और समाप्ति की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जैसे नेक्रोपोलिस स्थिति में आता है चित्तौड़ इत्यादि। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया? 1909। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीतिशीय तत्वों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीतिशीय तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। DPSP का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्धता पर, जिनका उद्देश्य है एक वेलफेयर सोसाइटी या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सरकार अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समय पर देगी। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न से किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति। हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जैसे डॉलर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982। मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों के प्रसिद्ध मिलेंडर के सिक्के कहाँ से मिले? बालाघाट। कुषाण वंश के पश्चात किस वंश का शासक आया था? नागवंश। वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में आदिवासियों में सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये जंगा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 वाला। किस विश्व धरोहर के छायाचित्र को 200 रुपये के नोट पर छापा गया है? साची बौद्ध स्तूप। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि साची बौद्ध स्तूप कौन से नोट पर है 200 रुपये। चिंकारा प्राचीनतम और पारंपरिक वाद्य यंत्र जो निम्नलिखित में से किस सामग्री से निर्मित होता है? नारियल की जो बट्टी रहती है उससे बनाया जाता है ये, आप ध्यान रखें। चिंकारा बोलते हैं उसको वैसे, कोई मानवीय भूल हो तो आप उसको अपने स्तर पर थोड़ा सा देख ले, हो सकता है संभव हो जाए। इसकी PDF आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। निम्न में से ब्रज भाषा से संबंधित क्षेत्र नहीं है, तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर ये सब UP से लगने वाले लगभग उसी क्षेत्र बेल्ट में आते हैं, बुंदेलखंड और UP वाला बुंदेलखंड, उसके आगे रोहेलखंड, बैतूल नहीं आता है। मढ़ई दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है, इसका संबंध गोंड जनजाति से। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता लिखी थी आचार्य केशवदास। दूलादेव मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? दूलादेव भगवान शिव को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी, बिल्कुल सही है। पूजा शर्मा टेबल टेनिस, बिल्कुल सही है। प्रतुल जोशी जो है वो बैडमिंटन।
विजय नायडू जो है उनका संबंध किससे है? तो विजय नायडू जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। वर्ष 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान 2.35%। प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना कब हुई थी? 2012 बैतूल जिले में। प्रदेश में सर्वाधिक देने और जो ग्रेफाइट है उसके उत्पादन में बैतूल अग्रणी है। प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ रहता है? तो ये प्रश्न एक बार पहले भी आया था लेकिन उसमें आंसर कुछ और था। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो ग्वालियर में, वो मासिक तापमान के आधार पर था। किस मृदा को करेलिया चरणोजम भी कहा जाता है? तो करेलिया चरणोजम कहा जाता है उपजाऊ काली मृदा को। कनकशंगा किस नदी का नाम है? कनकशंगा शिप्रा व उज्जैन अवंती का प्राचीन नाम भी है कनकशंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नई दिल्ली सही है, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है वो हैदराबाद, खनिज अन्वेषण निगम गुना ये गलत है, खनिज अन्वेषण जो है गुना में नहीं है। मध्य प्रदेश से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते जिनकी कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 8010 किलोमीटर राजमार्गों में डेटा बहुत ज़्यादा चेंज है, आप अपने स्तर पर देखें। निमाज नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कौन से जिले पर है? तो निमाज जो है पार्वती की सहायक नदी है और पार्वती चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पार्वती की सहायक निमाज नदी पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले में है। देश का एकमात्र राज्य जो कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है मध्य प्रदेश। गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किस जिले से की गई? खरगोन जिले से। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना की गई 1969। स्पर्श अभियान की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2011। डीडी किसान चैनल की शुरुआत हुई थी 26 मई 2015। नाफेड क्या है? कृषि के संबंध में सहकारी संस्था। महिला एवं बाल विभाग विकास के ब्रांड एम्बेसडर, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर मेगा परमार पर्वतारोही जो सीहोर से हैं। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 6। पीवीके राय समिति का संबंध जो है वो पीवीके राय समिति है, इसका गठन कौन से वर्ष हुआ था? 1985। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है प्लास, ये नाम बिल्कुल एकदम दृष्टि में आया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति। पंचायती राज चुनाव का उल्लेख है, तो चुनाव का उल्लेख है 243 द। रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1923 में। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? इनमें से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति स्वयं में। मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस को 3 रेलवे पुलिस सेक्शन क्रमशः हैं, तो भोपाल इंदौर जबलपुर। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई थी नीमच से, नीमच के जातला गांव से। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? श्रीनिवास तिवारी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो इंदौर 8, और अपवाद भी हो सकता है इसमें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक रही थी? तो 14वीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 16। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन। मंत्रा भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? माइक एल्ड्रिच। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं नीता वर्मा। एमपी ऑनलाइन का गठन कब हुआ? जुलाई 2006। भीम ऐप संबंधित है डिजिटल भुगतान से। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? तो इनमें से साइबर बुलिंग, गोपनीयता की कमी, फेक न्यूज़, मीडिया के नकारात्मक उपयोग सभी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997। ट्राई की स्थापना 1997। IPv6 इंटरनल प्रोटोकॉल को किस वर्ष विकसित किया गया? 1998। SMS बेस्ड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसकी शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत बैतूल जिले से। आपको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता है। अगले 3 दिनों में अपने कॉन्फिडेंस को पूरा ऊंचा रखें। GLCIS वे ऑफ MPPSC स्वागत अभिनंदन आपका इस पे।
विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड स्थित है मुंबई। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं कैंसर को। स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने कब? 3 अप्रैल 1984। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाशवर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाशवर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाशवर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट देखने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी से कम देखना होगा, तब जाके आँखें सही रूप से देख सकेंगे। और मानव आँखों की जो देखने की क्षमता है वो अनंत दूरी है, आप चांद, तारे, कहीं पर भी दूरी तक देखें। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय है तांबा। इसने कुचालक नहीं पूछा, विद्युत अचुंबकीयता पूछी है। तो तांबे में विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट है वो नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीरा कार्बन का अप्रूप है। संगमरमर जो है चूना या कैल्शियम का अप्रूप है। रेत जो है वो सिलिकन का अप्रूप है। माणिक्य सिल्वर ये गलत है, माणिक्य जो है वो एक प्रकार का स्टोन है। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से क्या होता है, जो जीवाश्म फॉसिल्स होते हैं उनकी जांच की जाती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक, बैक्टीरिया फाउंडेड बाय लीवेनहॉक। आम का वानस्पतिक नाम है मेंडिफेरा इंडिका। करनाल बंट की एक बीमारी है गेहूं की। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी निम्न से किस देश को सौंपी गई है? भारत को। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित निम्न पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, प्रणब मुखर्जी। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका में सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्षीय आयु में निधन हुआ? सादिया देहलवी। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई है? अब हरियाणा पंचायत में भी 50% कर दिया गया है। हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, सुनीता लाकड़ा का संबंध किस खेल से था? तो ये हॉकी खेलती थी। शाहजहाँपुर के योगेश मालवीय जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये मध्य प्रदेश के किस खेल से संबंधित है? तो योगेश मालवीय जी जो शाहजहाँपुर है, मलखंब। इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई और मेरा स्टेटस अगर आप लोग देखते हो व्हाट्सएप पे आपने जरूर देखा होगा, मैंने इस पर पूरी डिटेल डाली थी। एकता स्थल किससे संबंधित है? ज्ञानी गेल सिटी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ बने रहने के लिए। आप निश्चित रूप से इसकी PDF, मेरा ये नंबर दिख रहा है 9900770855। आप बिल्कुल मेंस के लिए भी मेरे पास पता रहे, मैं तो बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकालें। और कल मेरा लाइव सेशन रहेगा, उसमें अपन आगे की 2 दिन की क्या पढ़ना है उसकी प्लानिंग और पेपर की बाकी चीज़ों पे डिस्कस जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों। गुरुजी GLC 250 IAS इंदौर से।